ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। नए प्रेमिका के साथ मिलकर प्रेमी ने पुराने प्रेमिका की निर्मम हत्या कर देने की सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। निर्मम हत्या का आज पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी और उसके दूसरे प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया है कि प्रेमी ने अपने पहले प्रेमिका से छुटकारा पाने के लिए दूसरे प्रेमिका के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना अंतर्गत ग्राम बांशवारी की रहने वाली 15 वर्षीय सबीना बेगम 26 मई को शाम 4 बजे शौच करने के लिए घर से निकली थी, जो वापस कभी लौट करके नहीं आई। देर शाम तक सबीना घर नहीं लौटी तो परिजनों ने आस पड़ोस तथा सगे संबंधियों के यहाँ खोजबीन काफी की। उसके उपरांत नाबालिग लड़की की परिजनों के द्वारा 30 मई को बहादुरगंज थाना में लिखित शिकायत दी गई कि अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपहरण का मामला भी दर्ज कराई गई, जिसमें पुलिस के द्वारा थान कांड संख्या 154/21 दर्ज कर दी गई। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस द्वारा अनुसंधान के क्रम 31 मई को किशनगंज जिले के कोचान धामन अंतर्गत मचकुरी गाँव के चौर स्थित मकई के खेत में एक लड़की का शव मिलने की सूचना कोचान धामन थाना को मिला। सबीना बेगम की परिजनों द्वारा चप्पल एवं कपड़े के आधार पर शव को सबीना बेगम के रूप में पहचान की गई और पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेज दिया। उसके उपरांत किशनगंज पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष के द्वारा इस हत्या के मामले की गंभीरता पूर्वक लेते हुए मामले को उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनवर जावेद के नेतृत्व में एक टीम का गठन की गई। टीम द्वारा आसूचना संकलन एवं तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से साक्ष्य संकलन करते हुए घटना के 5 दिनों के बाद यानी 4 जून को बहादुरगंज बांसवाड़ी निवासी राहिल आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ के क्रम में उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार करते हुए अपनी दूसरी प्रेमिका नाजली बेगम के नाम का खुलासा करते हुए हत्या के राज पर पर्दा उठा डाला। गिरफ्तार राहिल ने पुलिस को बताया पूर्व में लुधियाना में रहकर सिलाई का काम करता था। सर, कैसी गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ मामला है पूरा जानकारी? बहादुरगंज थाना अंतर्गत ग्राम बांसवाड़ी में 26 तारीख को एक लड़की के अपहरण से संबंधित मामला आया था, जिसके संबंध में 30 तारीख को उनके परिजन द्वारा बहादुरगंज थाना में कांड दर्ज किया गया था और 31 तारीख को मजकुरी एक जगह है कोचा धामन अंतर्गत, तो अररिया और किशनगंज का बॉर्डर है, वहाँ पे चौर में एक अज्ञात लाश मिला था। उसकी पहचान कराई गई तो पता चला कि वो सबीना बेगम का शव है। शव को जो है कि पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस अधीक्षक ने इसको बड़ी ही गंभीरता से लेते हुए इसके लिए टीम का गठन किया। तकनीकी अनुसंधान आसूचना संकलन करते हुए उसमें कल राहिल नाम के एक लड़का को पकड़ा गया, जो उसका पूर्व का प्रेमी रहा। उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए और तकनीकी अनुसंधान का सहारा लेते हुए पूरे कांड का उसने खुलासा किया। कैसे कैसे उसने बताया कि घटना के दिन 4 बजे शाम में उसको शादी करने के लिए बुलाया था चरघरिया के पास में, साथ में उसकी दूसरी जो प्रेमिका थी वो भी गई थी और खेत मकई के खेत में ले जाकर सुनसान जगह पर चाकू से उसकी हत्या कर दी गई थी। उसमें मामला ये आया था कि चूँकि ना ये सबीना बेगम पूर्व से उससे प्यार करती थी, उसने शादी का दबाव देना शुरू कर दिया। राहिल है वो पहले लुधियाना में रह के काम करता था, लॉकडाउन के बाद जो है कि वो घर आया और लॉकडाउन के बाद आने के बाद नाजनी बेगम एक लड़की है जो कि सोनथा की रहने वाली कुछ आदम, उससे उसको प्यार हो गया और सबीना जो है कि वो शादी करने का दबाव डालती थी। उसको रास्ते से हटाने के लिए राहिल और नाजनी ने ये षड्यंत्र रचा। योजना अनुसार चौर में जाकर उसकी हत्या कर दी गई। 3 मोबाइल बरामद हुआ जिससे बातचीत करता था और उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। दोनों को जेल भेजा जा रहा है। अभियुक्त ने एक प्रेमी के साथ मिलकर दूसरे प्रेमी की हत्या कर दी। अपने नए प्रेमिका के साथ जो है कि मिल के अपने पुराने जो जिसके साथ उसका प्रेम चल रहा था उसकी हत्या कर दी। करीब 1.5 वर्ष पूर्व लॉकडाउन में अपनी बांसवाड़ी गाँव स्थित घर लौट आया था। घर पर ही सिलाई का काम करने लगा। सिलाई का काम करने के क्रम में सबीना बेगम सिलाई की दुकान पर आया जाया करती थी और आने जाने के क्रम में दोनों का प्रेम परवान चढ़ गया। एक दूसरे से मिलता रहा। लड़की नाजिल बेगम जो कोच धामन थाना क्षेत्र की सोंधा के रहने वाली है उससे मोबाइल पर बातचीत होने लगी। बातचीत के क्रम में राहिल और नाजली बेगम के बीच प्रेम हो गया और नाजली बेगम से भी
राहिल मिलने जुलने लगा। इसी बीच पहला प्रेमिका साबिना बेगम राहिल पर शादी का दबाव बनाने लगी, परंतु राहिल अब नाजली बेगम के साथ शादी करना चाहता था। साबिना बेगम दोनों के बीच रोड़ा बन करके रह गई थी। अपने पहले प्रेमिका से परेशान राहिल ने थक हार कर दूसरी प्रेमिका नाजली